हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के टाइम पे काफी सारे लड़कों का हेयर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो हाल सलमान खान का है, हो सकता है ऐसा आपका भी साथ हुआ हो या ऐसा हाल आपका भी हो। तो आप में से काफी सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा दवाई के बारे में पूछते रहते हैं, इसके लिए आप लोग बहुत सारा उपाय करते रहते हैं, और जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ऐसे लोग इसके लिए ऑपरेशन करा लेते हैं। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए इतना मजेदार वीडियो बनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का हाल सलमान खान जैसा होता है, जो लोग थोड़े से टकले होते हैं, अगर आप सलमान खान का पुराना फिल्म देखेंगे, जैसे कि बीबी नंबर 1, जैसे कि औजार, और उसको आप शांति से स्टॉप कर करके देखेंगे, तब आप नोटिस करेंगे कि सलमान खान स्टार्टिंग से थोड़ा सा इधर पर टकलापन ज़्यादा था। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल कम होता है दोस्तों, और ख़ास करके ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में 32 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा उन्नति है, और 40 साल के बाद ये लोग अपने जिंदगी में सेटल हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे हेयर स्टाइल के बारे में। दोस्तों जिन लोगों का हेयर स्टाइल शाहरुख खान के जैसा होता है, यानी कि जिनका हेयर का जो लेयर होता है सामने की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ख़ास करके अगर ऐसा आपके भी साथ हुआ होगा, या आप अपने किसी दोस्त, किसी भाई, किसी भी रिश्तेदार को जानते होंगे, तब आप नोटिस करके देख लीजिए, ऐसे लोगों को बचपन में ज़्यादा सुख नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को आमतौर पे जो सुख मिलता है ना, वो ख़ास करके देखा गया है कि 45 के बाद या ख़ास करके 37 के बाद मिलना शुरू होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे जो भी कहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज के टाइम में आप में से काफ़ी सारा लड़का मेरा बात पे यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारे हीरो का एग्जांपल भी दिया है। आपके हाथ में इंटरनेट है, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आप जाके गूगल में एक एक आदमी के बारे में सर्च करके देख सकते हैं। जिन लोगों का सामने का तरफ ज़्यादा हेयर होता है, ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी में हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, मेहनत तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके हेयर पे बहुत ज़्यादा बाल होता है, ऐसे लोगों को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और जिन लोगों का सामने का तरफ थोड़ा सा टकलापन होता है, ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों की कुंडली में शुक्र थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में होता है। और दोस्तों देखिए, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक बोनस बात बताना चाहता हूँ, जो कि सुन के काफ़ी सारे टकले लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों जो लोग अपने आप टकले हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र में, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में लड़की का सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और खास करके ऐसे लोग 45 के बाद गारंटी है कि किसी ना किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन हर कहानी का दो पहलू होता है, ठीक उसी तरह बहुत सारे टकले लोग आपको आतंकवादी देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम कर देते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई इंसान कम उम्र में टकला होता है, इससे एक बात पता चलता है कि ऐसे इंसान के पास दिमाग बहुत तेज है, बाकी किसी भी लड़का के मुकाबले इसके पास दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मैटर ये करता है कि वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करता है। जो लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल सही काम पे करते हैं, उन लोगों का उन्नति हो जाता है अच्छा वाला लाइन में, और जो लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल गलत लाइन में करते हैं, यानी कि चोरी चीटिंग बाजी में करते हैं, ऐसे लोग आप देखिएगा 40-45 साल की उम्र में बहुत बड़ा चीटिंग बाज साबित होते हैं। दोस्तों आपके मन में 1 करोड़ सवाल आ गया होगा, तो मैं आपको उसके जवाब में इतना ही कहना चाहता हूँ, हेयर के बारे में आप जाके आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। साइकोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ कहा गया है, जैसे कि आपका हेयर कौन सा कलर का है, जैसे कि आपका हेयर का जो टेक्सचर है, घुंघरालू बाल है कि सीधा बाल है, या आपका चेहरा, या आपके बाल से बहुत ज़्यादा बदबू आता है या खुशबू आता है, या आपका टेक्सचर हमेशा सिल्की रहता है, ये सब भी आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। ये सभी जानकारी आस्ते आस्ते करके मैं आपको आने वाले वीडियो में देते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इतना सीक्रेट जानकारी आपको सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।